सो गुड मॉर्निंग टू द स्टार्टिंग माय न्यू व्लॉग हडवे व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट विशाल राव। ये हाँ जो है गेट के सामने एकदम लेट जाते हैं और जो है अब देखिए बोला ना तो भाग गया, गेट पे ही लेटा रहेगा। कहाँ गया? वहाँ कोने में जाके लेट जाएगा। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप वूप निकली नहीं है, बादल बादल हैं और हम चाहेंगे कि ऐसा दिन भर रहे। अगर दिन भर ऐसा मौसम रहा तो भाई मज़ा ही आ जाएगी, काम करने में मज़ा आती है ना। फिर गर्मी में तो भाई कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, शाम या सवेरे निकलो सुबह में निकलने का मन नहीं करता, खाली इवनिंग में ही निकलो। फिर अभी देखते कब तक रहता है ये मौसम। और आज भाई 3 दिन हो गया इसको ला के रखे हुए, आज इसमें सीमेंट भी लगानी है। हो दिया मैं कल सीमेंट आ गई थी समर्थ क्या, तो हमने बोला कि उसी से ले लेंगे, थोड़ी सी काय के लेके आए नहीं खरीद करके पूरी। शाम के बज रहे हैं 6:30, मतलब 6:20 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ पेड़ों में पानी डालने के लिए। और मेरा सर थोड़ा सा घूम रहा है, कुछ चक्कर चक्कर सा मुझे लग रहा है और वॉमिट वॉमिट सा लग रहा है मुझे। ऊँची तकिया लगा लेता हूँ ना तो मेरे साथ यही होता है यार, कभी कभार होता है हमेशा नहीं। आज ऊँची तकिया लगा ली थी मैंने तो मेरे साथ ये सीन हो गया। और जो है चलते हैं फटाफट पेड़ में पानी डालते हैं, एसी बंद करवाते हैं पहले, एसी चल रहा है। जब घर के अंदर रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या व्लॉग करें क्या ना करें। और आज मौसम जो है सुबह से बहुत अच्छा है, दिन में थोड़ी बहुत धूप निकली थी। कल 17 तारीख है ना, तो सुना था कि 17 तारीख को मानसून आ जाएगा, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी निकलते हैं थोड़ा सा देख क्या थे। पापा ओ पापा यार मोटर चला के नहीं आया, मोटर फिर मेरे को चला जाना पड़ा, फिर पानी डालते हैं फिर मिलते हैं। अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ काम से आशियाना तक, इसलिए मैं उस टाइम पे कहते हैं मतलब पानी डाल करके आ गए थे। और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग बज रहा है 7, तो किसी से मिलना है तो अभी निकल लिए हैं, हम जाते हैं मिल के आते हैं। और सूरज अगर रास्ते मिल जाएंगे तो भाई साहब मुलाकात उनसे कर लेंगे, वरना वो तो भैया बड़े मैकेनिक हो गए हैं तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाती है। अब जब बड़े मैकेनिक लोग हो जाते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े बड़े मैकेनिक हो जाते हैं, तो मुलाकात नहीं हो पाती है उनसे। फिलहाल अभी चलते हैं फटाफट और जिससे मिलना है, थोड़ा टाइम है अभी मिलने में। सूरज से कोई बाय हेल्प के लिए कहना, मुझे कॉल किया था मैंने एक दो बार, उसको फ़ोन उठा ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। उसे तो प्रसाद नहीं पहुँचाया था ना, इसलिए हो सकता है कि वो सोच रहा हूँ कि मैं हौकूँगा चिल्लाऊँगा उसके ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं यार, अपना ही आदमी का मन है देने का तो उसको कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ना इंसान को जो है। वो भोले बाबा को भी मंजूर नहीं है कि हम को केदारनाथ का प्रसाद मिले, तो इसलिए नहीं मिल पाया। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं फटाफट और सूरत से लौटते टाइम मिल रहे हैं, चलते टाइम मिल लेते हैं। लौटते टाइम तो फिर अगर लेट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मुलाकात नहीं हो पाती उससे। भाई ये सूरत की दुकान पहुंचने वाले हैं, देखते हैं भैया महाशय हैं भी कि नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लग तो रहा है ये दाढ़ी वाला लड़का, ये दाढ़ी वाला लड़का सूरज है क्या? ये दाढ़ी वाला लड़का सूरज है क्या भैया? सूरज तो काम नाम करोगे हमारा नहीं करोगे? अबे यार इसका एक बात बताओ, उसमें डोमिनार वाले शीशे लग पाएंगे? नए वाला जो डोमिनार वाले आई है। फिलहाल बोल तो दिया है दोस्तों मैंने उसको, कहने लगे कल या परसों जाऊंगा मार्केट तो लेता आऊंगा। मैंने बोल दिया लोकल भी मिल जाए तो अभी देख लेना, और लेकिन मुझे नई वाली डोमिनार चाहिए, क्योंकि पहले वाली जो आती है वो पतले प्लेन डंडे वाले आते थे तो वो नहीं चाहिए मुझे, जो है न्यू वाली ही डोमिनार के चाहिए साइड मिरर, तो वो थोड़ा सा देखने में लुक उसका अच्छा है। तो बोल दिया आप देखो ले आता है तो अच्छी बात है, अपना काम बन जाएगा। और कह तो रहा है कि लग जाएंगे, क्योंकि इससे मंगवाने में एक बेनिफिट ये है ना कि भाई चेंज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये कुछ और ख़रीद लेगा उसकी जगह पे, नहीं लग पाएगा तो इसीलिए रखते जो है, वरना तो मैं खुद ही ले करके लगा लेता। और विंडशील्ड तो मैं ले आऊँगा, और विंडशील्ड ले आऊँगा तो उससे ये रहेगा कि वो लगा देगा, वो तो बॉबी से लगवा लूँगा सर्विस सेंटर के अंदर, तो वो तो मैं बजाज की ओरिजिनल मतलब डोमिनार वाली ओरिजिनल लेके आऊँगा मैं।
देखता हूँ फिलहाल, जाऊँगा अभी गाड़ी जब दूँगा ना बनने के लिए तब उससे पहले ही सारी चीज़ें मैं ले लूँगा। नंबर प्लेट आज क्या तारीख हो गई है, आज 16 तारीख, कल नहीं तो परसों में पता करूँगा या 20 तारीख को पता करूँगा। नंबर प्लेट पता करता हूँ 20 तारीख को, जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि नंबर प्लेट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। जिस काम से दोस्तों आए थे वो काम तो अपना निपट गया है फिलहाल, लेकिन मिल लिए हैं जिससे मिलने आए थे। और यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है हरियाणा में फिलहाल, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, पेड़ आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हिल रहा है, मतलब पेड़ हिलता नहीं है इतना, ठंडी हवा तो नहीं है लेकिन हाँ ये है कि हवा चल रही है। और दिन भर मौसम अच्छा है, अगर कल भी धूप नहीं निकली तो फिर वाकई में मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर कल धूप नहीं निकली तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा फिर तो, फिर तो कुछ मतलब मस्त ज़बरदस्त। अभी जो है वापस घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है, एक फ्रेंड है उससे मिलने कॉल तो किया था लेकिन वो बिज़ी, मतलब ऐसे वो ऑफिस से नीचे नहीं आ सकता है तो ऊपर हम जा नहीं सकते, उसके यहाँ थोड़ा दिक्कत वाला है। चलो फिर कभी मुलाकात होगी, कभी आएंगे तो। वो कहता है जब वो मतलब जॉब करता है ना तो कहता मैं दिहाड़ी पे हूँ, जब उसको पूछो भाई कहाँ अगर ऑफिस में होगा तो भाई मैं दिहाड़ी पे ही हूँ भाई दिहाड़ी पे। अरे बात एक भाई देखा जाए तो एक तरीके से दिहाड़ी ही है, मंथली दिहाड़ी मिलती है बस, खाली और क्या। फिलहाल चलते हैं फटाफट घर की तरफ। अरे हाँ एक काम बोली तो है, चाहते कर रहे हैं भाई साहब, समर्थ सिंह को हमने कॉल किया है और समर्थ सिंह भी यहीं पे हैं नबार्ड के पास, तो चलते हैं उनसे भी मिल लेते हैं घर पे। भाई घर के सामने रहते हैं तब हम लोग मुलाकात नहीं होती है, मेरा पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन किया चलते हैं कॉल करते हैं उसको, देखते कहाँ है तो ये गाड़ी लेके निकला था, तो हमने बोला चलो देखते हैं कि कहाँ है, गाड़ी तो दिख ही जाएगी कहीं पर भी होगा तो, जहाँ भी होगी गाड़ी तो दिख ही जाएगी। नाबार्ड के सामने PMC हेल्थ वेल्थ कहाँ है भाई, नाबार्ड तो आगे है मेरे ख्याल से, नहीं यहीं होगी गाड़ी, आगे 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 ही होगा, देखते हैं आगे चलते हैं। भाई साहब समर्थ से भी मिल लिए, उसके दोस्त भी बैठे हुए थे, अभी चलते हैं सीधे घर, फिर देखेंगे कहीं निकलना होगा तो निकलेंगे 8:30 बजे, अभी ब्लॉग भी एडिट करना है और 9 बजे उसने कहा था दोस्त से मिलेंगे, लेकिन अभी लेट हो गया ना काफ़ी जो है, मतलब ये आधा घंटा और लगेगा उसको नीचे आने में, जो दूसरा था दोस्त है मेरा, तो वरना उससे भी मिल लेते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं घर सीधे, उसके बाद देखते हैं। अभी दोस्तों LAC पे LSF लखनऊ स्ट्रीट फूड पे वापस खड़े हैं, आए हैं बर्गर लेने के लिए, और ये वहाँ से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपने लिए नहीं लेने आए भाई, मैं खा नहीं रहा हूँ बर्गर, भाभी जी के लिए लेने आया हूँ और उसके लिए लेने आया हूँ, एक्चुअली सन्नी भैया की वाइफ के लिए, मतलब भाभी जी मतलब अलग, क्योंकि सन्नी भैया है नहीं, और अभी कुछ और सामान लेना है और सब्ज़ी लेनी है वो लेकर के चलना है। घर आ चुके हैं, सब्ज़ी वब्जी वगैरह ला के दे दी और अब जा रहे हैं कपड़े चेंज करने के लिए। भाई 2 दिन से मैं ब्लॉग क्लोज़ नहीं कर रहा था, मैंने सोचा आज ब्लॉग क्लोज़ कर देता हूँ। आप लोगों को मेरा अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़े से और शेयर कीजिए तो जिससे व्यूज़ और अच्छे आ जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।